अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा हमदानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इन्फो। इंतहाई अहम खबर आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। सोशल मीडिया पर इन दिनों मारूफ यूट्यूबर टिक टॉकर दानिया शाह के शौहर हकीम शहजाद काफ़ी मकबूलियत के हामिल हैं। हर जगह उनके चर्चे होते दिखाई देते हैं। कभी वो दुबई की शहज़ादी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ बताते हैं, तो कभी किसी और का नाम लेकर उनको अपने साथ मंसूब करने की कोशिश करते हैं। इस सारे वाक्य की क्या सूरत हाल है, क्या वजह है? गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने पंजाब कॉलेज के हवाले से एक इशू पर बात की और इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनके बाद उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। आज FIA मुल्तान की जानिब से हकीम शहजाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए उनको मुल्तान से गिरफ़्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग बखूबी जानते हैं, मरहूम आमिर लियाकत की ज़ौजा दानिया शाह के मौजूदा शौहर हकीम शहजाद को FIA मुल्तान ने गिरफ़्तार कर लिया। FIA मुल्तान का कहना है कि उनकी नाज़ेबा हरकतों की वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब कॉलेज का इशू आप सबके सामने आया, उस इशू के हवाले से अगर बात करें तो हकीम शहजाद ने उस इशू पर अपने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, देखना अब यह है कि FIA मुल्तान की जानिब से हकीम शहजाद के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली इन्फो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।